हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन या देसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कि छोटे बच्चों को क्या खिलाएं जिससे उनकी जल्दी से ग्रोथ हो। इस बात पे बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर हैं वो बहुत पूछते हैं कि हमको बताइए कि जल्दी ग्रोथ के लिए हम क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं। तो उसके लिए देख सकते हैं, मैंने ये देखिए, ये तो मैं सुबह इनको गर्म पानी देता हूँ, तो गर्म पानी करके लाया हूँ एक बकेट में। एक बकेट में बाजरा है और एक बकेट में स्टार्टर फीड है। ठीक है फ्रेंड्स, तीन बकेट है मेरे पास में। तो गर्म पानी सुबह, गर्म सर्दी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा हल्का गर्म पानी देना पड़ता है। और इसमें बाजरा है तो ये मुर्गी के लिए है और इसमें स्टार्टर फीड है, ये बच्चों के लिए है। तो देखिए, मैंने इनको दे दिया है तो आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी मुर्गी है, प्योर देसी हरियाणा ब्रीड की मुर्गी है। और ये देखिए, ये बच्चों के लिए मैंने इस कोने में एक स्टार्टर फीड डाल रखा है और नीचे दाना डाल दिया है, बाजरे का दाना डाला है मुर्गी के लिए। तो मुर्गी अब आराम से बाजरे का दाना खा लेती है और थोड़े थोड़ा बहुत इन बच्चों को भी खिलाती है साथ साथ में। तो इससे मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं होगा, क्योंकि एक महीने के बाद में जब मैं इनकी ये फीड बंद कर दूंगा तो प्योर बाजरे पे रखूंगा। इनके बाद 40 दिन के बाद या 30 दिन के बाद मैं इनकी फीड बंद कर देता हूँ और इनको बाजरा ही देता हूँ, हरी सब्जी वगैरह ये सब खिलाते हैं। तो अभी से ही इनका बाजरा स्टार्ट कर रखा है तो इसको बाद में इनकी तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होती, नहीं तो एकदम से खाना चेंज करने से ये बीमार हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये इनकी स्टार्टर फीड है, इससे जल्दी ग्रोथ लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये 4 दिन के ही बच्चे हैं और कितने अच्छे हेल्दी हैं, पूरे 9 बच्चे हैं इस मुर्गी के साथ में। आप देख सकते हैं प्योर देसी हरियाणा ब्रीड के बच्चे हैं सभी। मेरे पास में अभी सिर्फ ओनली प्योर देसी हरियाणा ब्रीड ही है और एक कड़कनाथ का पेयर है। तो देख सकते हैं, ये दाना पानी है, ये दाना रखा हुआ है, ये एक बोतल में ड्रिंकर रखा हुआ है, ये मैंने हैंडमेड बनाया है, बना के रखा हुआ है। और साथ में आप वो दिखा देता हूँ मैं, ये थोड़ा केस बंद कर रखा है, इसमें भी 2 मंथ से ज़्यादा बड़े के बच्चे हैं। देख सकते हैं आप, ये रहे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ हैं। आप देख सकते हैं 2 मंथ के बच्चे की बहुत बड़ी ग्रोथ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और ये प्योर देसी हरियाणा ब्रीड के बच्चे हैं, सभी मुर्गे ही हैं, ये देख सकते हैं आप, 4 के 4। बाकी मेरे पास में जितने भी थे सेल हो गए हैं, 2 मेरे खेत वाले फार्म पे हैं और 4 इधर हैं, 6 ही बचे हैं। लगभग 40 के आसपास में थे, 40 में से सिर्फ 6 बचे हैं और बाकी सब सेल आउट हो चुके हैं, मतलब बिक गए हैं। और इनका भी दाना पानी देख सकते हैं आप, मैंने बाजरे के अंदर स्टार्टर फीड मिला के दिया है, दोनों चीज़ 50-50% चल रही है इनकी। ये पानी है थोड़ा गंदा हो गया है, साफ़ करके फिर से भर देंगे हम पानी को। और जल्दी ग्रोथ का यही कारण है फ्रेंड्स इनका, और हेल्दी ही रह रहे हैं, इसके कारण ही हेल्दी रह रहे हैं क्योंकि ये स्टार्टर फीड इनको बहुत अच्छे से ग्रोथ दे रही है, जो भी इनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है सब प्रोवाइड कर रही है और स्टार्टर फीड पे ज़्यादा खर्चा नहीं आया, इसीलिए हम बाजरा मिक्स कर रहे हैं। तो बता देता हूँ मैं कैसे कर रहे हैं। देखिए, ये एक इसका ले लिया हमने, ये देखिए, एक इसका डाल देते हैं इसमें और एक ही इसका बाजरे का भर के भी इसके अंदर डाल देता हूँ मैं और इसको हाथ से ही मिक्स कर देता हूँ फ्रेंड्स में। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब ये बच्चे आराम से इसको खा लेंगे। और तो फ्रेंड देखिए, इस केज में 40 से 45 दिन के भी बच्चे हैं हमारे पास में, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये 40 से 45 दिन के बच्चे हैं हमारे पास में, प्योर देसी हरियाणा ब्रीड के चिक्स हैं। इनके साथ में 45 दिन के बाद में मैंने लगभग 40 दिन के बाद में इनको बाजरा और ये फीड मिक्स करके स्टार्ट कर दिया था। तो आप भी इनकी जल्दी ग्रोथ के लिए ये स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टर फीड बहुत अच्छी रहती है बच्चे को, अगर पहले दिन से आप फीड देना चाह रहे हैं तो स्टार्टर फीड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनको स्टार्टर फीड खवाएं। अगर स्टार्टर फीड नहीं मिल रही है फिर आप मार्केट से प्री स्टार्टर या फिनिशर लेयर वगैरह कोई भी फीड ला के आप उनको खिला सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत उनको न्यूट्रिशन अच्छा सा मिल जाता है। थोड़ा मतलब इनबैलेंस तो रहता है, लेकिन स्टार्टर फीड और प्री स्टार्टर में सही से बैलेंस फीड मिलता है बच्चों को। तो अभी देख सकते हैं, स्टार्टर फीड खिलाई है तो सभी हेल्दी हैं अपने, और काफ़ी हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और उछल कूद कर रहे हैं देख सकते हैं आप। और ये दाना बाजरा मैंने 40 दिन के बाद में इनमें 50% बाजरा स्टार्ट कर दिया। अभी कुछ दिन तक इनको बाजरा मिक्स करके और देंगे, फिर अकेले बाजरा पे स्टार्ट कर देंगे इनको और हम फ्री रेंज में छोड़ना स्टार्ट कर देंगे इनको, खेत वाले फार्म पर ले जाएंगे बाद में। और इनके लिए डिटेल में मैं आपको बता दूं, ये चिक्स सभी मेरे नहीं हैं, कुछ इसमें से सेल आउट हो चुके हैं। लगभग मेरे पास में 20 के आसपास में ही चिक्स बचेंगे और इसमें 4 कड़कनाथ के बच्चे हैं, देख सकते हैं, एक ये रहा और एक दो और है, एक वो रहा, एक उस कोने में है, 4 चिक्स हैं कड़कनाथ के, वो भी बिक चुके हैं अपने, सेल आउट हो चुके हैं, 4 के 4 कड़कनाथ के चिक्स भी बिक गए हैं। और ये सब मैंने पहले 100 रुपये चिक्स में बुकिंग की थी, जो पहले वाले वीडियो में डाला था तब, और बाद में मैंने उनको 130 रुपये चिक्स में बेचे हैं, जो अभी के रिसेंट में प्राइस में मैंने बेचे हैं। तो क्योंकि अभी बड़े हो गए हैं तो मैंने लगभग 25 चिक्स 130 रुपये पीस में बेचे हैं, और पहले ही मैंने एक भाई है जो पटियाला से हैं उनको मैंने 100 रुपये पीस में बेचे हैं।
तो आपने चिक्स की क्वालिटी तो देख ली है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे बड़े हो गए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और ये इनका पानी का ड्रिंकर है तो गंदा हो चुका है, इनको साफ करके गर्म पानी डाल के अच्छे से फिर से भरेंगे। तो क्या खिलाते हैं क्या नहीं खिलाते वो आपको मैंने दिखा दिया है, फीड ही चल रही है अभी इनकी। कभी कभी थोड़ी बहुत घास वगैरह तोड़ के डाल देता हूँ। और ये इसी ब्रीड के बच्चे हैं, देख सकते हैं आप, ये मुर्गा है और ये मुर्गियाँ हैं। और पहले जो मुर्गा था कुछ उसके बच्चे थे, और ये वाले बच्चे देख लिए आपने, इनकी क्वालिटी चेक कर लिया अच्छे से। और इसमें कड़कनाथ का पेड़ है, इसी के 4 बच्चे हैं। तो ये वीडियो इतनी ही है, तो जिनको बच्चे डिलीवर होने हैं उस पे स्पेशल वीडियो बनेगी, उनके पास से हम डिलीवरी की वीडियो लेंगे और उनके कौन कौन से बच्चे दे रहे हैं वो भी अलग से वीडियो बना के डिलीवर करके पूरा करेंगे, ठीक है। और ये आप देख ही सकते हैं अपना मुर्गा है, प्योर देसी हरियाणा ब्रीड की ब्रीड है अपनी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बस इतना ही वीडियो है, लाइक कर दीजिए अच्छी लगी है तो वीडियो।